हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए ट्वेंटी फोर नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी की वैकेंसी की डिटेल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सी में नोटिफिकेशन निकाली गई है ये आपके असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट के लिए है जिसके लिए आप ऑफलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉब के लिंक पर यहाँ पर आकर आप इसकी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बात करते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में तो फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर इन सीआरपीएफ एग्जामिनेशन 2021 के लिए इनवाइट किया गया है और इसमें जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो 30 छः 2021 हजार रहेंगी मतलब जो आपको फॉर्म है वो तीस छः दो से फिल कर कर सेंड करना होगा क्लोजिंग डेट जो अप्लाई करने की है वो उनतीस सात दो है तो उनतीस सात दो तक आप इसमें फॉर्म को सेंड कर सकते हैं डेट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन बाद में नोटिफाई की जाएगी

अप्लाई नहीं कर सकते यहां पर आपसे क्लियर यह बात कही गई है इसके बाद नीचे फ्रेंड्स से नेशनलिटी की बात करें तो ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए एज लिमिट यहाँ पर जो 35 साल है मैक्सिमम इसमें फ्रेंड्स आपको देखिए जो क्लोजिंग डेट है उस डेट पर आपकी ये काउंट की जाएगी इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल एग्जामिशन सर्टिफिकेट वो आपको शो करना होगा इसके अलावा एस सी एस टी ओ बी सी एक्स सर्विसमैन यहाँ पर इनको अपर एज में छूट मिल जाती है नीचे फ्रेंड्स यहां पर देखिए प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में आपको जानकारी दी गई है तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यहां पर अपलोड

इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर आई साइड से रिलेटेड मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड जानकारी दी गई है एग्जामेशन सेंटर आपके यहाँ पर नोएडा सोनीपत अजमेर प्रयागराज भुवनेश्वर दुर्गापुर गुवाहाटी पुणे आवडी और बेंगलुरु यहाँ पर रखे गए हैं इनमें से ही आप सेंटर्स को यहाँ पर फिल करेंगे एग्जामेशन फीस यहाँ पर चार सौ रुपये रहेगी जो कि जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी कैंडिडेट को देनी होगी एस सी एस टी कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है और जो फीस है वो आप इंडियन पोस्टल ऑर्डर या फिर बैंक ड्राफ्ट के थ्रू बनवाएंगे जो कि फ्रेंड्स या तो 30 छह 2021 को बना हो या उसके बाद अगर जारी है तो ही यह एप्लीकेबल होगा इसके बाद कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसकी प्रोसेस आपको बताई गई है तो तीस छह दो से आप यहां पर इसे बाई हैंड या पोस्ट के थ्रू इसको सेंड कर सकते हैं क्लोजिंग डेट आपको यहां पर दी गई है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है फोटो आपके रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दो एनल जिसमें आपको आपका जो एड्रेस है वो मेंशन करना होगा और ये आपको डिपॉजिट करना है मतलब हैंड या बाई पोस्ट आपको सेंड करना है इस दिए गए एड्रेस पर इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस

होगा अब यहां पर बात करते हैं फ्रेंड्स इसके फुल डिटेल जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसा है उसके बारे में बात यहां पर कर लेते हैं इसके लिए फैन आपको आना होगा पेज नंबर 11 पर तो यहाँ पर देखिए स्टेट वाइज रिक्रूटमेंट प्रोग्राम जो है इसमें आपका पी एस टी एंड पीई टी होगा जिसमें फ्रेंड्स से यहाँ पर आपको उससे रिलेटेड जानकारी दी गई है और इसमें फ्रेंड्स आपके जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ है और ये सब आपको यहाँ पर शो करने होंगे इसमें देखिए आपका हंड्रेड मीटर की रेस होगी मेल कैंडिडेट को सोलह सेकेंड में फीमेल को अट्ठारह सेकंड में आठ मीटर की रेट जो रेस है वो तीन मिनट पैंतालीस सेकंड में कंप्लीट करनी है मेल कैंडिडेट चार मिनट पैंतालीस सेकंड में फीमेल कैंडिडेट लॉन्ग जंप यहाँ पर इंट पांच मीटर का मेल कैंडिडेट के लिए और तीन मीटर का फीमेल कैंडिडेट के लिए रहेगा पुट यहां पर चार पॉइंट पांच मीटर का है मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए रिटर्न एग्जामिनेशन भी दो पेपर में होगा पहला पेपर जो है उसमें आपका देखिए जनरल अवेयरनेस रीजनिंग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल इंग्लिश और इंग्लिश आपके जो इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन है वो आपको दिए गए हैं यहां पर और नंबर आपको दिए गए हैं टोटल ड्यूरेशन दो घंटे का रहेगा रहेगा ओ बेस आपका पेपर होगा टोटल 200 मार्क्स का है और हर एक क्वेश्चन दो मार्क्स का रहेगा नेगेटिव मार्किंग वन थर्ड की यहां पर आपकी काटी जाएगी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आपका रहेगा और जो पेपर टू है वो 300 मार्क्स का होगा जो उसकी सिविल इंजीनियरिंग का होगा उससे रिलेटेड टॉपिक्स होंगे ड्यूरेशन तीन घंटे का रहेगा और एक कन्वेंशनल सब्जेक्टिव टाइप पेपर आपका होने वाला है इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए स्टैंडर्ड एंड सिलेबस आपको दिया गया है तो जो स्टैंडर्ड ऑफ पेपर इन जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर फर्स्ट जो है वो आपके इंजीनियरिंग या साइंस ग्रेजुएस से रिलेटेड आपका रहने वाला है आपकी इंजीनियरिंग डिग्री एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे अब यहां पर देखिए आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स यहां पर आपको बताए गए हैं चाहे बात करें यहाँ पर आपके जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड की या फिर आपके सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर टू है जो कि कन्वेल या सब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा उसका जो आपके टॉपिक्स हैं आपके सारे को यहां पर क्लियरली शो किए गए हैं तो आप यहां पर सारे टॉपिक्स को आराम से चेक कर सकते हैं पढ़ सकते हैं ये इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाता है

सब्जेक्ट चालीस मार्क्स का प्रोफेशनल रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस पंद्रह मार्क्स का आपका होने वाला है इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड नंबर्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे और यहां पर फ्रेंड्स नीचे आपको आपकी जो गाइडलाइन है उससे रिलेटेड आपको जानकारी यहां पर दी गई है जो कि मेडिकल की आपकी जानकारी रहेगी इसके बाद यहां पर है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप सेंड करेंगे तो यहां पर आपको आपकी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और उसके बाद सिग्नेचर करना है नेम ऑफ द एप्लीकेंट आपको लिखना है फादर नेम नेम मदर डेट ऑफ बर्थ आपका होम स्टेट क्या है कैटेगरी क्या है जेंडर आपकी नेशनलिटी एग्जाम सेंटर आप क्या लेना चाहते हैं आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नहीं है मेरिटल स्टेटस क्या है रिलीजन क्या है मतलब हिंदू जैन सिख जो भी है इसके बाद मेल आई मोबाइल नंबर आधार कार्ड इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन तो दसवीं क्वालिफिकेशन

इसके बाद फ्रेंड्स से नीचे आपको यहां पर एनेक्जर दिए गए हैं एनेक्सर का मतलब यहां पर यह है कि इस तरह के परफॉर्मा फॉर्मेट आपके कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी सर्टिफिकेट्स आपको दिए गए हैं उसके आपके पास यहां पर होने चाहिए जो कि आप एनेक्र में चेक कर सकते हैं कहा मिलेगा या फिर नोटिफिकेशन कहा मिलेगी तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया जॉब रास्ता डॉट कॉम पर जब आप विजिट करेंगे तो आपको वहां पर इससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगी मैंने वहां पर आपको अपलीकेशन फॉर्म या ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अपलोड कर दिया है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं चेक कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग